कितना अजीब है ना कि मैं रोज़ाना कोई नई चीज़ बनाऊं लेकिन आप लोगों को मायूस किए बगैर, आप लोगों की तवक्कोआत पे पूरा उतरते हुए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं बताता हूँ, ऐसे इस तब्दीली की बुनियादी वजह मेरे अंदर की कंसिस्टेंसी का ना होना है। मेरे अंदर मुस्तकिल मिजाजी तकरीबन ना होने के बराबर है। मुझे हर थोड़े दिन बाद कोई चीज़ काटती है और मुझे कहती है कि अब कुछ चेंज होना चाहिए, बालों में, दाढ़ी में या किसी और चीज़ में। और तब्दीली अच्छी होती है बाज़ोकात, माहौल की, लोगों की, या अपने अंदर की, या अपने होलिये की। आप भी करके देखिए, महसूस होगा बदला बदला सा कुछ ना कुछ। होलिये की तब्दीली शख्सियत के एहसास को मुतासिर करती है, ऐसा मेरा मानना है। ऐसा बार बार करने से मुझे ऐसा लगता है कि मैं खुद को पहचान नहीं पा रहा हूँ, मैं जान नहीं पा रहा हूँ कि मैं कौन हूँ। इसका फ़ायदा ये कि मेरी अपनी ज़ात के लिए, अपनी खोज में रहने के लिए जुस्तजू ख़त्म नहीं होती। एंड दिस थिंग हेल्प्स मी अ लॉट टू फाइंड माई सेल्फ एंड टू फाइंड मी आई डू these things। ख्वाब रच के देखता हूँ, सोते हुए नहीं जागते हुए, खुली आंखों से पूरी तवज्जा के साथ ख्वाब देख रहा हूँ। उन्हें पूरा कैसे करना है ये एक अलग मौजू है। मुद्दा यह है कि ख्वाब जरूरी हैं किसी चीज को वजूद में लाने के लिए। ख्वाब ही नहीं होंगे तो हसल बेबुनियाद है, और अगर किसी इमारत की बुनियाद कमजोर हो तो जरा सी हलचल काफी है उस इमारत को जमीन बोझ कर देने के लिए। दिल के करीब लोगों से ताल्लुकात हमवार रखता हूँ, मजीद इस्तवार करता हूँ, भरपूर कोशिश करता हूँ कि ऐसे लोगों को अपने दिल के करीब रखूँ जिनसे मुझे किसी मामले में अच्छा मशवरा मिले, कुछ सीखने को मिले, ढेर सारी मुफ्त बकचोदियों के साथ। आई कैन नॉट बी सीरियस ऑल द टाइम। अब जैसे कि हम सब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और यहाँ मुफ्त मशवरे देने वालों की तादाद हद से तजावुज़ करती जा रही है, और ये बाशिंदे मुझ जैसे आप जैसे लोगों का जीना हराम किए हुए हैं, सो ऐसे लोगों की बातों को मैं एक कान से सुनता हूँ एंड विदाउट कीपिंग दिस फ्री एडवाइस इन माई माइंड डाल देता हूँ जी यहाँ। फिल्म मेकिंग म्यूजिक मेरा पैशन है, नजर भी आता होगा आप सामईन हजरात को। आई एम नॉट वन ऑफ दोज अफेक्टेड विद द हाइप। इसको मैं रोजाना सीखता हूँ, मुसलसल सीखता हूँ। ये कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे मैंने इकट्ठा करके जमाशुदा हालत में सीख लिया और अब उसे अप्लाई करता जा रहा हूँ, नहीं। रोज कुछ ना कुछ नया सीख रहा हूँ और इस दौरान कुछ सीखा हुआ भूल भी जाता हूँ, लेकिन उसे रिवाइज कर लेता हूँ, दोबारा एक नज़र देख लेता हूँ और वो ताज़ा दम हो जाता है। और इस तरह से मैं सीखने के मराहिल से गुजर कर मश्क जारी रखता हूँ, और इन मश्कों और रियाजतों में मेरा काम चल जाता है और मुझसे कुछ ना कुछ नया तख्लीक हो जाता है। अपने आप को मुनज्जम रखने की कोशिश करता हूँ ज़ाहरी हालत के अलावा। अपने अंदर सुकून और इत्मीनान रखने की गर्ज से कोई अच्छी किताब पढ़ता हूँ, रूहानी शख्सियात को सुनता हूँ। कौन सी शख्सियात ये मेरा ज़ाती मामला है, इस चीज़ को मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। अच्छा म्यूज़िक सुनता हूँ, कभी शायरी विद क्वालिटी म्यूज़िक, कभी म्यूज़िक विदाउट एनी लाइन, जिस वक्त जिस चीज़ की दिल को ज़रूरत महसूस हो। 90s हिप हॉप, रॉक, पॉप, डिफरेंट जॉनरा सब सुनता हूँ। ऑलवेज ट्राई टू कंज्यूम गुड एंड क्वालिटी कंटेंट। जब कभी तबीयत उचाट होने लगे, आई यूज टू अनप्लग माई सेल्फ। कभी कभी स्क्रिप्ट रेडी होता है, इक्विपमेंट्स केयर सब रेडी होता है, एवरीथिंग इज सेटल्ड, बट मैं कैमरा से कनेक्ट नहीं कर पाता। देन मैं चाय बनाता हूँ, खुद भी पीता हूँ, बेगम को भी पिलाता हूँ, और बेगम के साथ सास बहू वाले फसादी ड्रामा देखता हूँ, क्योंकि वो चीज़ मेरे मिजाज के बिल्कुल बरक्स है। और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी सोच और इकदार की मुखालिफ सिंथ में जाकर भी काम की चीज़ें मिल जाती हैं। एंड दीज थिंग्स हेल्प टू अनलॉक दी स्टेजेस एंड सॉल्व मिस्ट्रीज इन माइंड। बेगम की फील्ड मेडिकल है और मेरी फील्ड बिल्कुल मुख्तलिफ, लेकिन बेगम जब मेरे काम के मुतालिक मुझे कोई मशवरा देती है तो मैं सुनता हूँ, समझता हूँ, और बेगम की राय से हिमायत और नुंगल करने में फ़र्क पहचानना सीखता हूँ। लास्ट वीक मैं घर गया तो अब्बू ने मुझे मशवरा दिया कि मैं ऐसी वीडियोस बनाऊं जिनसे कुछ सीखने को मिले, तो मुझे ये वीडियो बनाने का ख्याल आया, तो इस वक्त आपकी पेशे खिदमत है। इस फहरिस्त में तब्दीलियां रोनुमा होती रहती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें जो साकिन रहती हैं, फेथ, बिलीव, होप, फेयर, डिज़ायर। अपना किबला दुरुस्त रखता हूँ, एटलीस्ट कोशिश करता हूँ खुदा की ज़ात पे भरोसा रखकर
काम शुरू कर देता हूँ, सोचों में वक्त ज़ाया नहीं करता, उम्मीद को खुद से 2 कदम आगे रखता हूँ, उम्मीद कदम उठाने में मुआविन साबित होती है, खौफ ज़रूरी है, खौफ भी ज़रूरी है, याद दिलाता रहता है कि तुम असल में हो क्या, और जब कुछ बन जाओगे तो उस वक्त जो निकल कर सामने आएगा वही तुम्हारी नस्ल की असल शनाख्त होगा। ख्वाहिश को अपने अंदर धीमी आंच पे जला के रखता हूँ, सुकून से बैठने नहीं देती मुझे, हर वक्त कीड़े काटते हैं मुझे, बेचैनी है आगे डैण डैण डैण।